Eliana. Hello friends, how are you all? Hope so कि आज आप सब बढ़िया होंगे. तो आज मैं आई हुई हूँ सियाना के स्कूल में. आज मैंने कहा थोड़ी सी चलो प्रेगनेंसी की वीडियो से हटके बनाती हूँ, वो मैं बनाऊंगी. आज मैं बना नहीं पाई. आज सियाना के स्कूल में आई हुई हूँ. कईयों की कई क्वायरीज हैं. मैंने कहा मैं वो कल या परसों बना लूंगी वीडियो. पर मैं आज बात करना चाहती हूँ कि देखिए धन्य है वो माएँ जो जॉब्स भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं और फिर मैनेज भी करती हैं यहाँ पे आना, यानी कि बच्चों के साथ हर इवेंट पे आना स्कूल के. क्योंकि सुबह सुबह घर के काम ही इतने होते हैं. आज मेरे को ये बेटी कह रही थी, मम्मा आप इतने बजे तक पहुँच जाना, 10:05 तक. 10:05 क्या, मैं तो रेडी थी. ऊपर से ये कृष्णा इतना क्रैंकी हुआ हुआ था, ना कुछ खा रहा था ना कुछ पी रहा था. मतलब कि करते करते भी मैं इतनी लेट होगी. और ऊपर से कि ये भी कि कहीं मेरी बेटी को बुरा ना लग जाए, उसने बूस्ट जूस वगैरह कही थी मम्मा मेरे को दे जाना. होप सो जैसे तैसे करके उसकी पहली रेस तो नहीं मैं देख पाई, लेकिन बूस्ट जूस बच्चों को होता ना वो मैंने पहुंचा दिया. कई बार मैं सोचती हूँ जॉब करूँ, ज्वाइन कर लूँ, पर देखो यहाँ पे घर पे भी इसको संभालने वाला कोई नहीं है. डे केयर में अभी ये छोटा है, खैर डाल देते हैं. पर मेरे को ये है कि कई बार जॉब्स कैसे हो जाते हैं कि जॉब के लिए जाना निकलना ही बड़ा मुश्किल है सुबह सुबह. घर के इतने काम होते हैं, बच्चे को तैयार करना, सब करना बड़ा हार्ड हो जाता है. कई बार हस्बैंड्स करते तो हैं पर इतना नहीं, फिर भी उन्हें हो जाता है कि हाँ वो अपना ही तैयार हो जाए, ये कर लो वो कर लो. हम औरतों को ही हर चीज में मल्टीटास्किंग होना पड़ता है. अभी जैसे तैसे भी आज यहाँ तक आते आते इतनी थकावट हो जाती है शाम के. जब ये सोता है ना मेरी ऐसी हालत हो जाती है जैसे ना बस किसी ने सारे शरीर पे ऐसे डंडे मारे हो, इतनी थकावट हो जाती है ना बच्चों के साथ. और वही मैं सोच रही हूँ अगर मैं जॉब ज्वाइन कर लूँ तो कैसे होएगा. मतलब कि बड़ा सोच सोच के ही हो जाता है कि जॉब ज्वाइन करूँ ना करूँ. बस 2 साल होने वाले हैं अब मेरी मेटर्निटी लीव को. मतलब कि माओ के लिए बड़ा ये चिंता का विषय बन जाता है कि घर मैनेज करें या जॉब को मैनेज करें, दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करें, जो कि इजी नहीं है. अगर कोई इंडिया से आया हो घर पे संभालने के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है कि चलो घर पे है टेक केयर करने के लिए या कुछ है. यहाँ पे भी टेक केयर्स में छोड़ते हैं पर पता नहीं अपना दिल नहीं मानता कि अभी छोटा बहुत है, इतनी छोटी एज में 20 को छोड़ के जाऊँ. 9 से 5 की जॉब अब मैं कर नहीं सकती क्योंकि सारा दिन के लिए बच्चे स्टक हो जाते हैं. ऑब्वियस है लोग करते हैं पर अपना अपना दिल है, मेरा दिल नहीं मानता है. मैंने अपनी बेटी को तो 2-3 साल तक, 3-4 साल तक इसको कोई डे केयर में नहीं डाला था, अपने आप ही सारा किया जो किया. लेकिन अभी छुट्टू के टाइम पर उसके टाइम ये हो गया ना, मैं अगर उसको 3 साल में डाल देती तो अच्छा रहता, बच्चा कुछ सीखता ही है डे केयर में जाके. ममता से परे होके भी थोड़ा सा कई बार कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन इसको मैंने टाइम पे डाल देना क्योंकि फिर बच्चा ना बहुत कुछ सीखता है डे केयर में जाके. लेकिन अब जैसे आज कहीं थोड़ा सा ही मैंने बाजार भी जाना हो ना, आप समझ सकते हो जो माए हैं भी घर से निकलना कितना मुश्किल हो जाता है. भी मेरे को जरूर बताना आप मम्स भी जो भी जॉब करती हैं, मेरे को पता है जो घर में रहती हैं घर का काम करना भी आसान नहीं है, पर लेकिन जोन सी भी लेडीज जॉब करती हैं बिजनेस करती हैं, आप कैसे मैनेज करते हो सारा कुछ, अपनी फैमिली बच्चे सब कुछ, छोटे छोटे बच्चे स्पेशली जो स्कूल जाते हैं वो तो चलो स्कूल जाते हैं, लेकिन जो छोटे हैं उनको कैसे मैनेज करते हो अगर दादा दादी नाना नानी कोई नहीं है. तो इंडिया में तो मेरे ख्याल से डे केयर वहाँ जैसे चंडीगढ़ वगैरह वहाँ तो है, लेकिन बाकी जगह का नहीं पता क्योंकि जब तक मैं इंडिया में थे मैं कौन सा माँ बनी थी, भी फॉरन आके ही बनी हूँ. तो आज के टाइम में आप सब कैसे मैनेज करते हो. होप सो कि मम्स आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो. मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो. ओके जी, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. बाय.